अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिल सके न्यू वीडियोस की अपडेट्स। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अविनाश हेयर केयर में। तो दोस्तों आज हम ये हेयर पे करने वाले हैं हाइलाइट्स, ग्लोबल कलर और केराटिन। तो देखते ये कैसा होता है, ये वीडियो पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए हम लोग लेंगे 12.5 विथ 40 वॉल्यूम। अब इनके हेयर वर्जिन है तो हमें डायरेक्टली हम कलर करने वाले हैं 40 वॉल्यूम से, और 12.5 मैट्रिक्स का शेड है, थोड़ा सा मोहगनी टिंच आता है तो वो वाला यूज़ करने वाले हैं हम लोग। और उसके साथ आप देख सकते हो मैंने पहले फॉइल लगा रहा हूँ, तो आप भी जब भी कलर करोगे तो पहले आपको फॉइल लगाना है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें अगर साथ में करनी है तो आपको ये प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। तो आपको तीनों चीज़ें एक साथ हो सकती है। आप देख सकते हो पहले फॉइल लगा दूंगा, जैसे मैंने व्यूइंग किया है इनके हेयर्स के ऊपर, और भी कुछ मेरे हाईलाइट की वीडियो, तो आप देख सकते हो व्यूइंग कैसा करना है। और उसको अच्छे से फॉइल पेपर में रैप करना है, इसको हम रखेंगे थोड़ी देर, और इसके ऊपर ही जो बाकी के बचे हुए हेयर है इनके ऊपर हम लोग करेंगे ग्लोबल हेयर कलर। तो आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी उनके पूरे बालों के ऊपर फॉइल लगाया, कम से कम मैंने 20 फॉइल लगाए इनके हेयर्स के ऊपर, नेप एरिया और क्राउन और साइड में, तो आपको दिख रहा होगा मैंने सभी तरफ फॉइल प्लेस कर दिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जो बचे हुए बाल है उसको हमें करना है दूसरा कलर, यानी हम चूज़ करने वाले एक दूसरा शेड, तो वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो ये है वंडर ब्राउन का 5C यानी कॉपर शेड है, उसके साथ हम 20 वॉल्यूम यूज़ करेंगे, इसका मिक्सिंग रेशियो है 1:1.5, तो ये हम यूज़ करने वाले हैं विथ 20 वॉल्यूम मैट्रिक्स का ही, और इसे मिक्स करके हम लोग लगाने वाले हैं पूरे बालों के ऊपर। तो दोस्तों देखिए मैंने ऑलरेडी लगाया है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता इसलिए आपको समझने के लिए मैंने डायरेक्टली दिखाया, रूट को एक्चुअली मैंने टच नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी उनके कुछ ग्रे हेयर का इशू नहीं था और वो बोल रहे थे कि हमें रूट में नहीं चाहिए, तो हमने भी वही सोच के इनके रूट के ऊपर कलर अप्लाई नहीं किया है। तो जो हाईलाइट भी है और जो ग्लोबल भी कलर है वो रूट को छोड़ के लगा हुआ है उनके पूरे हेयर्स के ऊपर। तो दोस्तों ये हो गया हमारे हाइलाइट्स और ग्लोबल हेयर कलर। अब हम करेंगे इनके हेयर्स के ऊपर केराटिन ट्रीटमेंट, क्योंकि अभी उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले फॉइल्स निकालने हैं और इनके हेयर्स के ऊपर बहुत अच्छे से दो बार शैम्पू कर लेना है, दो बार आपको शैम्पू करना है अच्छे से, थोड़ी देर आप शैम्पू भी रख सकते हो, और उसके बाद इनके हेयर्स के ऊपर हम केराटिन एप्लीकेशन करेंगे। तो ये पहले मैं फॉइल निकाल रहा हूँ, देख रहे हो आप, तो कलर हमें जो चाहिए वो मिल गया 12.5 थोड़ा सा चॉकलेट शेड में। इसका प्रोसेसिंग टाइम लगा हमें कुछ 45 मिनट टोटल, उसके बाद अच्छे से वॉश किया तो आपको दिख रहा होगा कलर भी आया हुआ है और ग्लोबल भी इनका हो चुका है। तो दोस्तों हम अभी क्या करेंगे, इनके हेयर्स के ऊपर केराटिन अप्लाई करेंगे, दो बार शैम्पू ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद आपको लगाना है केराटिन। अभी ड्राई हो चुके हैं, हमने ऑलरेडी आधे बालों के ऊपर केराटिन लगाया हुआ है, जो बाकी के हेयर्स है अभी देख सकते हो आप, मैं उसके ऊपर केराटिन लगा रहा हूँ। तो ये जो केराटिन है ये कैडव्यू का यूज़ कर रहा हूँ मैं, आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में मैं कौन सा केराटिन यूज़ कर रहा हूँ इनके हेयर्स के ऊपर, तो वो ब्राज़ीलियन केराटिन है, उसके बारे में भी आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना, मुझे बताना कि उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाओ, तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों इसको हाथ से ज़्यादा मर्ज नहीं करना होता है ये कंपनी के प्रोडक्ट को, आपको इसे बस कोम से हर एक बाल में लगाना होता है, यानी आपको जितना कोमिंग करोगे उतना हर एक बाल में वो प्रोडक्ट लगेगा। तो याद रखो आप जितना अच्छे से कोमिंग करोगे वो पूरे बालों के ऊपर लग जाएगा। इसके बाद हम यूज़ यानी जो हमारा जो केराटिन है उसका मैं आपको ये दिखा रहा हूँ वीडियो कि कौन सा केराटिन मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये ब्राज़ीलियन केराटिन है, ब्राज़ीलियन थर्मल रिकंस्ट्रक्शन, ये यूज़ करने वाला हूँ, स्टेप 2 लिखा है उसके ऊपर, ये केराटिन का हमारा मेन ट्रीटमेंट है। तो ये लगाएंगे, इसको ज़्यादा देर तक रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे मैंने अभी ड्राई किए प्रोडक्ट लगाया उसके बाद तुरंत ड्राई करेंगे यही प्रोडक्ट को और उसके ऊपर ही हम करेंगे आयन स्टार्ट। तो दोस्तों देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट लगा के पूरे बालों के ऊपर, आप देख सकते हो प्रॉपर एक एक बाल को अच्छे से प्रोडक्ट लगाया है, तो आपको भी वैसा ही करना है, हर एक बाल के ऊपर अच्छे से प्रोडक्ट लगा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यही हेयर को अभी ड्राई करना है। तो देखो ड्राई करने की प्रोसीजर आपको दिखा रहा हूँ, केराटिन ऑलरेडी बालों के ऊपर ही है और हम क्या कर रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं पूरे बाल। जैसे ही पूरे बाल ड्राई हो जाएंगे इनके, तो फिर हम आयन स्टार्ट करेंगे इनके हेयर्स के ऊपर, एकदम स्मॉल सेक्शन लेके आपको कम से कम
एक सेक्शन में 10 से 15 बार रिपीटेशन देना है, यानी आयन उतना प्रॉपर आपको करना है। तो आप देख सकते हो आयन कर रहे हैं हम लोग एकदम प्रॉपर, छोटे छोटे सेक्शन लेके आपको करना है आयन में बिल्कुल भी, यानी आपको जो टेम्परेचर है वो आप 200 तक रख सकते हो, 180 to 200, क्योंकि कलर्ड हेयर है, ज़्यादा टेम्परेचर आपको नहीं रखना है। और अच्छे से पूरे बालों के ऊपर आपको आयन करनी है। आप देख सकते हो कितना शाइन आ रहा है, ऑलरेडी एक साइड मैंने केयर लिया था, आप देख सकते हो पूरा प्रोडक्ट पेनेट्रेट हुआ है उनके हेयर्स के ऊपर। तो जो केराटिन हमने लगाया है वो पेनेट्रेट होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपकी आयन ठीक से नहीं होगी तो पूरा स्टिकी दिखेगा। अभी देख सकते हो आप, वो ऑलरेडी मर्ज हो चुका है, इतना अच्छे से हमने आयन किया है उनके हेयर्स के ऊपर, तो आप देख सकते हो। और ये जो केराटिन है उसको सेम डे वॉश होता है, यानी उसके लिए कुछ अलग से आपको दूसरे दिन क्लाइंट को बुलाना नहीं होता है कि आप दूसरे दिन आ जाओ फिर हम वॉश करेंगे आयन करने के, ये केराटिन में वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये केराटिन सेम डे वॉश होता है तो कोई दिक्कत भी नहीं आता है, क्लाइंट को भी झिकझिक नहीं रहता है कि बांधना नहीं है, दो दिन ठीक से रखना है। तो इसमें सेम अभी देख सकते हो आप हाईलाइट का भी हमारा पार्ट कैसा लग रहा है उनका, पहले कैसे थे बाल वो भी आपको लास्ट में पता चलेगा वीडियो के कि वो कैसा लग रहा है उनके हेयर्स के ऊपर। तो दोस्तों आयन का आपको लुक पता चला, हमने कितनी छोटे छोटे सेक्शन लेके आयन किया है। तो आप देख सकते हो अभी ये लास्ट सेक्शन था मेरा, तो हाईलाइट भी आप देख सकते हो उनके हेयर के ऊपर कितने प्यारे लग रहे हैं, और उनका ग्लोबल भी शेड थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने, तो था कुछ थोड़ा सा कॉपरिश किया था 20 वॉल्यूम के साथ। तो जब भी आपको केराटिन करना है पहले आपको करना है कलर करके लेना है, अगर आप कलर करना चाहते हो। दोस्तों देखिए रिजल्ट देखिए, हल्का सा कॉपर भी टिंच है, हाईलाइट भी हो गए और हमारा केराटिन भी हो चुका है। बस हमें अभी इसको रिंस करना है विथ, इसका एक मास्क आता है यानी 3 नंबर का एक क्रीम आता है, तो उससे हम इनके हेयर्स के ऊपर लगाएंगे, अच्छे से कोम करेंगे और 10 मिनट छोड़ देंगे बैक वॉश पे, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। आप देख सकते हो पानी से पहले ये किया, उसके बाद वो मास्क लगाया। मास्क लगाने के बाद आपको 10 मिनट रुकना है, अच्छे से लगाओ, अच्छे से मर्ज करो उसके ऊपर, हल्के से बड़े टीट वाले कोम से आपको कोमिंग कर लेना है और उसको 5 से 10 मिनट तक रखना है, और उसके बाद आपको रिंस करना है, फिर आपको मैं इनका रिज़ल्ट दिखाता हूँ कि ये रिज़ल्ट कैसा आया। तो दोस्तों ये है इनका फाइनल रिज़ल्ट। तो दोस्तों कैसा लगा आपको फाइनल रिज़ल्ट ज़रूर कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, तो मुझे और राहत मिलेगी। आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक आ रहा है, हाईलाइट भी दिख रहे हैं, उनका ग्लोबल भी कलर चेंज हो गया, उनका लुक कितना चेंज हो गया। जब भी वो आए थे उनके बाल आपने देखे वीडियो में कि पहले कैसे बाल थे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है वो शेड, एकदम ईजी वे से किया है, कुछ भी ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपके इनके प्रीवियस वाले बाल दिखाता हूँ मैं, तो आप देख लो प्रीवियस वाले बाल कैसे थे उनके, देखो कितना डार्क था वो हेयर, और अभी का लुक देखिए, तो आपको आफ्टर बिफोर समझ में आया होगा कि पहले बाल उनके कैसे थे और अभी ये कैसे हो गए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, ऐसे ही मुझ पे ट्रस्ट रखिए। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो ज़रूर मुझे मैसेज किए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मैं लिंक आपको दे दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।